एक गांव के पनघट पर एक बार तीन स्त्रियां पानी भरने गईं। वहीं एक बुढ़ा यात्री बैठा हुआ सत्तू खा रहा था। तीनों औरतें जमीन पर घड़े रखकर बैठ गईं। बुढ़े को सुना सुनाकर आपस में इस प्रकार बातें करने लगीं। एक स्त्री ने दूसरी से कहा, बहन, पंडित बोधाराम का शिष्य मेरा लड़का तोताराम जब से शास्त्री होकर आया है तब से उसने धूम मचा रखी है। सारे गांव में उसी की वाहवाही हो रही है। वह ऐसा शकुन बताता है कि चटपट लाभ होने लगते हैं। और सुनो, वह आकाश के तारों को गिनकर उनके नाम बता देता है। परलोक की सारी बातें उसे मालूम है। यमराज की कचहरी में कैसे फैसला होता है इसका भी उसे ज्ञान है। यमदूतों के नाम और सभी नरकों के नाम भेद उसे सब याद है। पता नहीं वह कैसे भगवान की सब लीलाएं जान लेता है। ब्याह शादियों में वह शास्त्रार्थ करते हुए विरोधी पंडितों के मुंह नोच लेता है। मैं ऐसे पंडित पुत्र को जन्म देकर अपने आप को धन्य मानती हूँ। बाहर से कोई आता है तो मेरी ओर उंगली उठाकर दूसरों से कहता है, देखो देखो यह शास्त्री जी की माँ है, पानी भरने जा रही है। उसकी बातें सुनकर दूसरी स्त्री बोली, अरे सखी, मेरे लाल का हाल सुनो। वैसा पहलवान आसपास के 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलता। वह 500 बैठक सवेरे शाम लगाता है। अखाड़ों में वह ताल ठोक ठोक कर बड़े बड़े नटों से भिड़ जाता है। बहन जी, सच मानना, पहलवानी में उसके जितना नाम किसी ने कमाया ही नहीं है और ना कोई कमा पाएगा। मैं उसे हलवा मालपुआ बना बना कर दिन भर खिलाती हूँ। खा पी कर वह हाथी की तरह झूमता हुआ जब सैर सपाटे को निकलता है तो मैं फूली नहीं समाती। अभी मैं पानी भरने जा रही हूँ कि रास्ते में एक किसान ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा देख, यह उस पहलवान की माँ है जिसने कल कल्लू नट को चारों खाने चित कर दिया था। सच मान सहेली, मैं बेटे की बड़ाई सुनकर एकदम फूल गई और उछलने लगी। दोनों की बातें सुन सुनकर तीसरी स्त्री बिल्कुल चुप रही। इस पर एक ने कहा, तू चुप क्यों है? मालूम होता है तेरा लड़का कोई लायक नहीं निकला है। तीसरी स्त्री बोली, नहीं बहन, जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसे नाम कमाने की कोई लालसा नहीं है। वह सीधे स्वभाव का व्यक्ति है। दिन भर खेतों में काम करता है, शाम को आकर घर के लिए पानी भर देता है। घर के काम से उसे इतनी छुट्टी ही नहीं मिलती कि वह बाहर नाम कमाए। आज मेरे बहुत कहने पर वह मेला देखने गया है, तभी मुझे पानी भरने आना पड़ा। मुझे आज इधर आते देखकर देखने वाले इसी बात पर आश्चर्य करते थे कि मुझे पानी भरने की आज क्या आवश्यकता पड़ गई। तीनों की बातें समाप्त हुई तो वे जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में पानी भरकर वहां से चलने लगे। बूढ़ा यात्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर से 3 नवयुवक आते दिखाई दिए। वे तीनों उन स्त्रियों के बेटे थे, मेले से घर लौट रहे थे। एक ने पहली स्त्री के पास जाकर कहा, माँ, मैं अच्छे मुहूर्त से घर की ओर जा रहा हूँ, रास्ते में भरा घड़ा मिलना शुभ है। यह कहकर वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। दूसरे ने दूसरी स्त्री से कहा, माँ, मैं मेले के दंगल में कुश्ती जीत कर आ रहा हूँ, जल्दी पानी लेकर घर आना, मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहता हुआ वह भी आगे बढ़ गया। इसके बाद तीसरा नवयुवक तीसरी स्त्री के पास आया। उसके हाथ से पानी का घड़ा लेकर बोला, माँ, तू क्यों पानी भरने चली गई? मैं आ ही रहा था। घड़ा लेकर वह घर की ओर चल दिया। तब अपने अपने बेटों की ओर इशारा करके स्त्रियों ने साथ चलने वाले बुढ़े से कहा, बाबा, हमारे बेटों के बारे में तुम क्या कहते हो? बूढ़ा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला,
तुम लोग अपने अपने बेटों के बारे में चाहे जो सोचो चाहे जो कहो, मेरी राय में इन तीनों में से केवल एक ऐसा है जिसे बेटा कहा जा सकता है। पहले दो तो अपनी अपनी माँ के पेट से निकलकर उनसे बहुत दूर हो गए हैं और तीसरा शरीर से अलग होकर भी माँ के मन में अपने मन को मिलाए हुए है। उसमें आत्मीयता है, मैं उसी को ही सच्चा सपूत मानता हूँ। दोनों स्त्रियों के मुंह छोटे होकर गर्दन से इस प्रकार लटक गए जैसे पेड़ से चमगादड़। तीसरी स्त्री का मुंह पूर्णमासी के चांद की तरह ऊपर उठने लगा और एकदम खिल उठा। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।